हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि निदा यासे बिनते फातमा ओल्ड एज होम पहुँच गई, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तमाम तफसीलात बताई जाएंगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि निदा यासर आजकल अपनी आने वाले फिल्म की प्रमोशंस में बिजी हैं। निदा यासर का कहना था कि मेरी और यासर की माँ नहीं है, हम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और रो रहे थे कि हमारी माँ नहीं है, अगर हमारी माँ होती तो हम उनसे दुआ ले लेते। लेकिन यही सोचते हुए वो बिनते फातमा ओल्ड एज होम पहुँच गए ताकि वह माओ की दुआ ले सकें। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, माओ की बातें सुनी तो उनके दिल दहल कर रह गए। निदा यासर से तो उनकी कहानियाँ बर्दाश्त ही नहीं और वो तड़प कर रोने शुरू हो गईं। वहाँ पे नीलम मुनीर को भी देखा गया, उन्होंने ओल्ड एज होम में लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की, लोगों को कपड़े दिए और उनकी इफ्तारी करवाई। माएँ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने निदा यासर और यासर नवाज को काफ़ी ज़्यादा दुआएँ दी। तमाम तर लोग निदा यासर को यासर नवाज को दुआएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती है एक नए वीडियो के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।